बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में आप अगर मल्टीपल अगर आपके पास डाटा हो तो आप उन डाटा का एक ही साथ जो है वो टोटल कैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्लास देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही होगी तो ये क्लास देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी। अब इसमें हमें करना क्या है और किस तरीके से जो है वो यहाँ पर काम करना है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो चार टेबल्स बनाए हुए इस तरीके से कि मेरे पास जो है वो एक मंथ जनवरी मंथ का रिकॉर्ड है और एक मेरे पास फरवरी का रिकॉर्ड है, मार्च, अप्रैल या पूरे अगर आपके पास जो है वो पूरे साल का रिकॉर्ड हो। तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आपको जनवरी का टोटल निकालना है, फेब का निकालना है, तो सिंगल जो है वो आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाकर इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, तो इससे आपको मालूम होगा कि जनवरी का टोटल कितना है। इस तरह फरवरी के टोटल, मार्च और अप्रैल। अगर यहाँ आपको एक साथ इन सब का टोटल देखना हो कि आप चाहते हैं कि जनवरी का टोटल, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन सब का एक जनरल टोटल जो होगा फाइनल वो कितना होगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप इस ट्रिक को यूज़ करें और ये ट्रिक जो है वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आप क्या करें, सबसे पहले ये जो आपके पास जो नंबर्स यानी टारगेट्स हैं इस वाले कॉलम को आप सेलेक्ट करें और नेम बॉक्स में जाएं और यहाँ पर इस पूरी रेंज को एक आप नाम दे दें। जैसे मैं यहाँ पर डाटा वन के नाम से जो है नाम देता हूँ, एंटर कर दूंगा। इस तरह मैं यहाँ पर फरवरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा डाटा टू, और इसी तरीके से थर्ड वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर नाम दे दूंगा डाटा थ्री और एंटर कर दूंगा, और फोर्थ वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, इसका नाम यहाँ पर दे दूंगा डाटा फोर। तो कोई भी नाम दे सकते हैं, लाजमी नहीं कि जो ये नाम रखा है उसी नाम से आप सेव करें। बस ये आपको याद होना चाहिए कि जिस रेंज को आपने नाम दिया है और उस नेम का आपको यहाँ पर कैसे यूज़ करना है वो नेम आपको याद रहे। अब मैं यहाँ पर जो है वो टोटल कैसे निकालूंगा इन सब का एक साथ, यहाँ पर हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे नंबर्स के अंदर। अब मैं यहाँ पर इन रेंज को नहीं सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पर इनके नेम को सिलेक्ट करूँगा। तो मेरी पहली लिस्ट का जो नाम था वो क्या था, डाटा वन। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डी प्रेस किया, डाटा वन, डाटा टू, सब डाटा जो मैंने नाम दिए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर टैब दबाऊंगा तो टैब से क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। तो देख सकते हैं पहली रेंज को इसने ऑटो पिक कर लिया। इस तरह हम कॉलम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा डी प्रेस करें और एरो से आप नीचे आएँ, कीबोर्ड के एरो से नीचे आएंगे, डाटा टू को आपने सेलेक्ट करना है, टैब दबा दें, खुद ब खुद यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर दूसरे वाले मंथ की जो है वो सिलेक्शन बन गई है। इस तरह कॉमा लगाएंगे, डी प्रेस करूंगा और यहाँ पर नीचे आऊँगा, डाटा थ्री को सिलेक्ट करूँगा, टैब दबा दूंगा, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, दोबारा से मैं डी प्रेस करूँगा, एरो से नीचे आऊँगा और यहाँ पर टैब दबा दूंगा। तो अब देखिए मेरे पास जो है वो एक ही बारी में जो है एक ही फार्मूले के अंदर इन चारों रेंज को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो फाइनल जो टोटल आ गया है चारों मंथ का। अब आपके पास जितना भी रिकॉर्ड हो, जितने भी मंथ हो, अगर आप फाइनली जो है एक टोटल निकालना चाहते हैं तो आप रेंज को एक नाम दें और उसी रेंज के नेम को आप अपने फॉर्मूले के अंदर यूज़ करें। चाहे आप उसका सम निकालें, चाहे आप उसका एवरेज निकालें, या आपको उसको काउंट करना है, तो वो आप इजीली इस टेक्निक से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आई होगी कि कैसे हम जो है वो एक साथ जो है वो टोटल कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट पर लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करें। इसी के साथ जो है वो हमारे चैनल पे आप विजिट करें, डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, आप इनको देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हर फील्ड से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, इस तरह और इसके अलावा जो इसके एक्सेल के अपने फार्मूले हैं, प्रोफेशनल वी लुकअप, एक्स लुकअप और एच लुकअप, ये तमाम चीज़ें जो है हमारी वीडियोज़ में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इनको देखें और अपने एक्सेल को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।